साथ हम मौजूद हैं और शब्बीर साहब ने इलाके का बाइक के ऊपर खुद दौरा करा है और पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा बताएंगे आज विजिट किया आपने बाइक के ऊपर इलाके? जी हमारा आज फ्लैग मार्च का प्रोग्राम था तो मैंने आज वो मतलब ये महसूस किया कि मैं खुद बाइक पे यहाँ पर इस इलाके में निकलूँ जहाँ हमारे सिपाही जो हैं जवान हमारे वो बाइक पे सफ़र करते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ होती होगी और गर्मी है, धूप है, मिट्टी है। तो हमारे आईजी साहब ने भी ये उनके अहकाम दें कि अपने निचले स्टाफ के साथ जो है उनके साथ बड़े प्यार मोहब्बत से और अखलाक से उनसे पेश आएँ, उनके जो भी वेलफेयर के हैं उनके हिसाब से उनकी हेल्प करें और उन्हें उसी वो मद्देनज़र रखते हुए अपने आईजी साहब के अहकाम को, हमारे एडिशनल आईजी साहब के अहकाम को उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये अपना बाइक पर ऐसे सफ़र किया था कि मैं अपने जवानों के साथ यकजहती के तौर पर सफ़र करूँ। हमारा ये चैलम के हवाले से भी था और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से भी था। हाँ जी मेरे SHOs भी मोटरसाइकिल पे थे और मैं भी मोटरसाइकिल पे था और यही हम लोग एक चेंज किया है, तब्दीली लाए हैं कि हम जवान और हम एक ही पेज पर हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, इलाके वालों को कोई इसमें मैसेज अच्छा जाएगा और कोई मैसेज होगा इसमें? जी हाँ, मैंने जो सफ़र किया मैंने महसूस किया रोडों की हालत, इस पर गाड़ी पर इतना पता नहीं लगता लेकिन बाइक पर पता लगता है। वाकई एस पी साहब ने ख़ुद इलाके का विज़िट किया और स्ट्रीट क्राइम के ऊपर, रोडों के ऊपर, खुद बाइक के ऊपर चल के खुद महसूस करा कि एक बाइक वाला और एक वीगो वाला, एक कार वाला कितनी प्रॉब्लम में आ सकता है।